नमस्कार। आज का टॉपिक सेंसस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसे स्टैटिक जीके में ही करवा दूंगी। हर साल इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और मोस्टली शिफ्ट्स में इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो जब इतना फिक्स है ही तो इसको अच्छे से ही कर लेंगे, है ना? शुरू करें फिर। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है ये तो कंपलसरी आपको याद करना ही करना है। बट अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको डिटेल्स के पीछे भागते हैं कि हमें हर चीज़ डिटेल में चाहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए हम एक एक्स्ट्रा पीडीएफ भी अटैच करवाते हैं। ये जो हमने कंटेंट लिखा ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा पीडीएफ भी अटैच करवाते हैं ताकि आप हर एक चीज़ डिटेल्स में कर सकें। और अगर आपको और कंटेंट की भी नीड है तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। अभी हमें बात करनी है सेंसस की। समझते हैं सेंसस का मतलब? जनगणना। ठीक है, उसमें से हम बहुत सी चीज़ें, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक चीज़ को देखते हैं, फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी। ठीक है, जनगणना के अलावा अलग और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दे के एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि पूरे देश में क्या सिनेरियो अभी हमारा चल रहा है, ये चीज़ देखी जाती है ना? अच्छा, अगर हम बोले कि फादर ऑफ सेंसेस इन इंडिया कौन है, ठीक है, तो वो हेनरी वॉल्टर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं ने ही पहली बार जो सेंसस था इंडिया में वो करवाया था, ढाका में करवाया गया था, बांग्लादेश। अब बोलेंगे इंडिया तो नहीं है ये, जिस टाइम पे इन्होंने करवाया था उस टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था बांग्लादेश। वो तो बाद में अलग हुआ है ना, जब पाकिस्तान बना फिर उसके बाद वो उनसे अलग हुआ, फिर जाके बांग्लादेश बना, तो वो सारी चीज़ें तो बाद में हुई हैं, पर पहले तो वो इंडिया का ही पार्ट था। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि पहली बार कब करवाया गया, तो 1872 में करवाया गया था। लिख दो यहाँ पे। में पहली बार सेंसस करवाए गए थे, पूरे ओवरऑल नहीं करवाया गया था, छोटी सी लोकेशन पे, स्पेसिफिक एरिया पे, बट कराया तो गया था। सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया राइट नाउ, अभी के टाइम पे कौन है? तो एम के नारायण जो है वो अभी के टाइम पे सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये थोड़े से फैक्ट्स आपको बताया जा रहा है डाटा एक्स्ट्रा करके, ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे यहां से बनेगा आपका, बट ये भी आपको एक्स्ट्रा करके बताया जा रहा है। लेटेस्ट सेंसस कब हुए थे? 2011 में। हर 10 साल में होते हैं, है ना? तो 2011 में हुए थे, 2021 में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? 2021 में होने चाहिए थे पर क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस टाइम पे कोविड का दौर था और उस वजह से कुछ और भी फैक्टर थे जिनकी वजह से सेंसस नहीं करवाया गया। तो हमें जो एग्जाम में करना होता है वो लेटेस्ट सेंसस करना होता है। तो अभी तो हमारे पास 2011 का ही है, तो हम 2011 की ही फैक्ट्स को हम याद करने वाले हैं। उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे? सीएम चंद्रमौली। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अच्छा, अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद देखें, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला है जो सेंसस है तो वो तो पहले से होते हुए आ रहे हैं, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले से ही सेंसस कंडक्ट किए जा चुके हैं। अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस के हिसाब से देखें, 1947 के बाद के हिसाब से देखें, तो कितनी बार सेंसस हुए हैं? तो ये सेवंथ सेंसस था जो कि 2011 में हुआ था, सेवंथ नंबर पे था। बट अगर हम ओवरऑल देखें कि पहले से भी जो होते आ रहे अब भी गिन ले, तो उस हिसाब से ये 15वां सेंसस था। तो ये बहुत बेसिक सी जानकारी, जो कि अगर शायद मैं आपको डिटेल में ना भी समझाती, आप इसे देख के भी आराम से समझ सकते थे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? 15 सेंसस अगर हम कैलकुलेट करें 1872 के हिसाब से, उस हिसाब से आपको ये 15 बन रहा है। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत सिंप्लीफाई करके, ना ही कॉम्प्लिकेटेड ना ले जाते हुए, सिंप्लीफाई करके एक चीज आपको अच्छे समझाऊंगी, याद करने का तरीका ही बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें आप देख पा रहे हैं, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है ये दोनों? देखो, दोनों में डिफरेंस ये है, पॉपुलेशन जो होता है वो ओवरऑल पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन। पर जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व, हिंदी में अगर हिंदी मीडियम से तो घनत्व से समझ सकते हैं शायद, अगर अपने साइंस में पढ़ा होगा, घनत्व कहते हैं। घनत्व मतलब हम उसको तो देखती है, नंबर्स तो हम देखते हैं, साथ में एरिया को भी देखते हैं कि कितने एरिए में कितने ज्यादा हैं। ठीक है, एरिए के हिसाब से भी जब देखा जाता है तो हम डेंसिटी की बात करते हैं कि मान लीजिए इतना सा एरिया है, इस इतने से एरिए के अंदर आपके 100 लोग हैं। इमेजिन करना है, जस्ट इतने से एरिया के अंदर 100 लोग हैं, ठीक है, और इतना ही सेम एरिया अगर हमने वहां से लिया, इस वाले एरिया के अंदर 70 ही लोग हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? इसकी ज्यादा हुई।
बट अगर हम ओवरऑल देखें तो मे बी ओवरऑल इसके ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से आप डिफरेंस समझ पाएंगे। देखो इसको याद करने का तरीका ना एक गाने की तरह याद कर लो, तुम्हें ये तो समझ आ गया कि मैंने किस तरीके से लिखा है, स्टेट हाईएस्ट लोएस्ट, यूटी हाईएस्ट लोएस्ट, इसको गाने की तरह याद करो। पॉपुलेशन के जो नाम होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, यूपी सिक्किम दिल्ली लक्षद्वीप, यूपी सिक्किम दिल्ली लक्षद्वीप, ऐसे गाने की तरह याद कर लो कि ये किसका गाना है, ये है पॉपुलेशन का। तो पहला वाला यूपी मतलब कि स्टेट हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट के हिसाब से देखी जाए यूपी, लोएस्ट में सिक्किम, और यूटी की बात करें तो दिल्ली, और उसमें यूटी में ही लोएस्ट की बात करें तो लक्षद्वीप। दिल्ली दोनों में मिल जाएगा आपको, तो दिल्ली से कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूटी में अगर पॉपुलेशन की बात हो या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो, दोनों में दिल्ली आगे है, तो दोनों में ही आपका दिल्ली आंसर होगा, तो ये तो आपको गाने से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका था यूपी सिक्किम दिल्ली लक्षद्वीप। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर ले, समझ आ चुका है सिनेरियो क्या है। इसमें आपका बिहार आगे है, यहाँ पे यूपी है पर यहाँ पे बिहार है। बिहार के एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, बिहार का जितना एरिया है उसके हिसाब से देखा जाए, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, तो इधर पॉपुलेशन डेंसिटी जो ज्यादा है, मतलब कम एरिया पे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी का हिसाब है। और वहां पे सिर्फ पॉपुलेशन का हिसाब था कि एरिया को छोड़ दो, बस टोटल कितनी स्टेट के अंदर है उसका हिसाब से देखा जाता है। गाना याद रखेंगे, बिहार अरुणाचल दिल्ली अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, इसका समझो पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब देखो अंडमान एंड निकोबार समझते कहाँ उसकी लोकेशन है, तो दिमाग में आ जाएगा कि यूटी है और वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है ज्यादा, मतलब हर एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पे कम है। बिहार अरुणाचल दिल्ली अंडमान निकोबार एक गाने की तरह याद करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, बिल्कुल ऐसे चार पॉइंट याद कीजिए, चार तरह से खत्म, एक एक करके याद नहीं करना पड़ेगा, इतना दिमाग में आ ही जाएगा। लेट सपोज आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का अरुणाचल याद हो गया, ठीक है, उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ स्टेट लोएस्ट क्या है, कौन से स्टेट में लोएस्ट सबसे ज्यादा कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का गाना याद करेंगे, बिहार अरुणाचल दिल्ली फिर अरुणाचल, फिर आप अरुणाचल से यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी याद करोगे ना तो ज्यादा लंबे समय तक डायरेक्ट भी याद हो जाता है। दो चीजें क्लियर है, बात करते हैं सेक्सुअल इशू की, इसका मतलब क्या है, इसमें जेंडर से रिलेटेड है आपका, ठीक है, मतलब कि कितने हजार लोगों पे मेल पे कितनी फीमेल है उसके हिसाब से देखा जाता है। रेशो क्या है, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन, ये समझ रहे हैं ना, मैथ्स में थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हो। तो स्टेट हाईएस्ट में कौन है, केरला, बहुत क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, सेक्स रेशो और लिटरेसी रेशो ये दोनों से बहुत बार आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बनता है। अगर हम लोएस्ट की बात करें तो हरियाणा होगा, हाईएस्ट में केरला, यूटी में बात करें तो पुदुचेरी, और लोएस्ट में बात करें तो दमन एंड दीव, ये है सेक्स रेशो। देखो फैक्ट वाली चीज इसमें क्या डिटेल में मैं समझाऊंगी, बट आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसको याद करना होगा। तो ये आपका ये चीज आपको क्लियर कर लेती हूँ, इसमें से और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट मतलब कि पढ़े लिखे लोग, ठीक है, वो किस तरीके से चल रहा है। अच्छा देखो इसको ऐसे इस तरीके से समझ सकते हो, स्टेट हाईएस्ट में केरला, इन दोनों में ही केरला ज्यादा है, जो पढ़ाई में ज्यादा ज्यादा है वो ये सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं, डिटर्मिनेशन डिस्क्रिमिनेशन होगा, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मतलब याद करने का तरीका सोच लो, बस ऐसे दिमाग में रख लेना। तो केरला, लोएस्ट में बात करें तो आपका बिहार होगा, पता है ये चीज़ तो आपको, है ना, कि बिहार और केरला का ये बार बार क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बात करूं कि बिहार का लिटरेसी रेट कितना है, तो वो करीबन आपका 62% बनता है, 62% बनता है, लिख देती हूँ यहाँ से, अगर क्वेश्चन बन भी जाता है तो आपको याद रहेगा, एग्जैक्ट लिख देती हूँ। अगर मैं बिहार की बात करूं, ये एग्जैक्ट है बिहार का लिटरेसी रेट। और अगर मैं बात करूं कि केरला का लिटरेसी रेट कितना है, तो इसको आप 92%, वैसे एग्जैक्टली तो 91.8 है, 91.8, तो इसको 92 और 62 ऐसे करके याद रख सकते हो। यूटी में बात करें तो लक्षद्वीप सबसे आगे लिटरेसी रेट में, और लोएस्ट में बात करें तो दादरा एंड नगर हवेली, ये कुछ इस तरीके से आपको याद करना है। जो आपको परसेंट याद करना है वो यहीं से याद करना है, बाकी परसेंट आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ जो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें भी आपको डाटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, याद करने की इच्छा हो तो वहां से कर सकते हैं, वैसे इतना भी आपके लिए काफी रहेगा। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की मुझसे पूछे तो इतना ही आपको एग्जैक्टली करना है, क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके
यहाँ से देखने को बनेंगी, ज्यादातर बनता है। ये स्टेट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा ये बताइए, जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे लिटरेसी रेट कितना था? पहले ही बता चुकी वैसे मैं, 12% था। फैक्ट के लिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा वैसा, मतलब 12% का नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इतना ही कंटेंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट था, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ में। एक एक्स्ट्रा पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसके अंदर एक्स्ट्रा डाटा डिटेल्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रीडिंग लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज इतना भी इंपॉर्टेंट होगा आपके टाइम को याद रखते हुए। मैराथन वीडियो के ऊपर काम जारी है, एक दो दिन में आपको मैराथन वीडियो दे दी जाएंगी, आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर इसको उसको खत्म करें, फिर नेक्स्ट मैराथन प्रोवाइड की जाएगी, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।